नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। एक्चुअली आज मैं एक नए सफर में जा रहा हूँ महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए, महाकाल की नगरी उज्जैन। दिस माय सिस्टर काव्या। तो इन्हीं का कल प्रमोशन हुआ है तो उसके खुशी में हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। नमस्कार भैया। तो गाइस बस निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो हम लोग फाइनली अब निकल रहे हैं उज्जैन के लिए। हाय हाय। और हमारे साथ भैया है अभिषेक भैया, और बस हम तीनों जा रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। और हम लोग पहुँच जाएंगे 5:30 बजे तक, है ना भैया? 5:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे उज्जैन, और नज़ारे कुछ ऐसे हैं भोपाल के। गाइस एक्चुअली हम लोग अभी रास्ते में रुके हैं, आस्था जगह का नाम है ना, जिला सीहोर है ये, जिला सीहोर, और जगह का नाम आस्था है। यहाँ पे सागर गैरेज भी है, वो लास्ट कर है। तो आप लोग यदि भोपाल से उज्जैन साइड जाते हो तो ये रास्ते में पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे रुक सकते हो, बहुत अच्छी जगह है ना। चाय कैसा लगा यहाँ पर? ये जो चाय है ना, हाँ स्पेशली हम लोग चाय पीने रुके थे। एक्चुअली भैया जो है वो बोल रहे थे कि यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, तो हमने सोचा क्यों ना ट्राई कर लेते हैं, सच में बहुत टेस्टी है। और फिर निकलते हैं यहाँ से हम चाय पी के। ये जो लोकेशन है ना सच में बहुत प्यारा है, यहाँ पे मतलब खाने को सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारे ब्रांड है यहाँ। तो यहाँ पर भी एक सागर गैरेज है, और इसके बाद उज्जैन तक ढाबे मिलेंगे, बट इतना अच्छा कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए। तो आप लोग यदि उज्जैन जा रहे हो भोपाल से तो यहाँ पर रुक जाना आस्था में। इस वक्त मैं हूँ देवास में। इंडिया में सिर्फ दो ही जगह नोट छपती है, एक नासिक और एक देवास में। तो फिलहाल हम लोग देवास के अंदर हैं। बस जल्दी से पहुँच जाना चाहती हूँ, 40-45 मिनट बाद सीधे महाकाल पहुँचना, उज्जैन पहुँचना मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं बहुत समय बाद जा रही हूँ। फैमिली कर ली बेटे, डेस्टिनेशन। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। यहाँ पे गाड़ी पार्क किया है और सारे लोग ही पार्क कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से ई रिक्शा करके हमें जाना पड़ेगा अंदर साइड पे। हम लोगों को लगा था कि गाड़ी शायद अंदर चली जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। गाइस इस समय अभी हम लोग होटल में हैं और हमें जल्दी से जाना है, एक भैया है जो हमें दर्शन कराने वाले हैं महाकाल के, तो वो हमारा वेट कर रहे हैं गेट नंबर 4 पे। तो जल्दी से रेडी होके निकलते हैं यहाँ से। जैसे आप महाकाल की नगरी में प्रवेश करते हो ना, एक अलग ही एनर्जी फील होती है, जैसे आप केदारनाथ जाते हो सेम वही टाइप की फीलिंग। तो बस कुछ ही देर पे हम लोग महाकाल के दर्शन करने वाले, तो पहुँचते हैं नीचे साइड पर। जय महाकाल। कुछ देर पहले ही बाबा महाकाल की आरती समाप्त हुई है, तो सच कहूँ उस आरती में सम्मिलित होने का एक अलग ही अनुभव था। बहुत ज़्यादा एनर्जी और सब लोग बहुत उत्साहित से, पॉजिटिविटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बट कुछ ही देर में हम लोग एंट्री करने वाले हैं मंदिर के अंदर। पीछे आप जो देख रहे हो कुंड है, महाकाल मंदिर का मेन कुंड बोलते हैं, और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि भारत की जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं सबका जल इस कुंड में समाहित है। आप मेरे पीछे देख सकते हो इस कुंड के आसपास बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं, छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, और इधर साइड में आप देख रहे हो हनुमान जी, हमारे हनुमान दादा की मूर्ति है, बहुत खूबसूरत है। और जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो
साथ ही बताऊं आज चांद बहुत प्यारा दिख रहा है, जस्ट मंदिर के ऊपर आप देख सकते हो। तो मैं और मेरी सिस्टर, हाय, जय महाकाल। बस कुछ ही देर के बाद हम लोग भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे, तो बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और फिर हम लोग जाते हैं अंदर साइड।